हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ये आपका पार्ट फिफ्थ है स्पेयर का। क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस वीडियो बहुत बार आ चुका है, तो एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला टू स्पेयर ऑफ रेडियाई आर वन एंड आर टू कट ऑर्थोगोनली, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर वन इंटू आर टू अपॉन अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके ऑर्थोगोनल कर्व से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑर्थोगोनल कर्व से आपका स्पेयर के अंदर इंपॉर्टेंट है, आप उसे ऑर्थोगोनल स्पेयर भी कह सकते हो। तो होता है क्या, एक बार देख लेते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर्स। अगर आपके पास यहाँ पर दो स्पेयर है जैसे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो आपका टेंजेंट होगा दोनों स्पेयर का, एक आपका इसका टेंजेंट है और इसका टेंजेंट है, दोनों आपका टेंजेंट मीट कर रहे हैं एक कॉमन पॉइंट पर, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये इंटरसेक्ट आपके ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब एंगल जो आपका यहाँ पर बनेगा अगर वो 90 डिग्री बन रहा है, तो मतलब ये आपके ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होगा दो स्पेयर का। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर। अब इसकी कंडीशन है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्पेयर की जो आपकी बार इक्वेशन आती है वो क्या रहता है, टू यू वन यू टू प्लस टू वी वन वी टू प्लस टू डब्लू वन डब्लू टू इक्वल्स टू डी वन प्लस डी टू। तो ये आपका यहाँ पर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू कर्व्स का रिलेशन है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, फिर समझ लेते हैं, टू यू वन यू टू है प्लस टू वी वन वी टू है प्लस टू डब्लू वन डब्लू टू है इक्वल्स टू डी वन प्लस डी टू, क्योंकि ये आपका यहाँ पर जो रिलेशन है ये आपका यूज होने वाला है इस क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर रहता है ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्पेयर्स का रिलेशन। क्वेश्चन बोला कि दो स्पेयर है रेडियाई आर वन और आर टू जो आपके ऑर्थोगोनली यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री में आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो आपका रेडियस है कॉमन सर्कल का वो आपका आर वन इंटू आर टू अपन अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर है। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो आपका कॉमन सर्कल की इक्वेशन है वो आपकी यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, और जो प्लेन है वो आपका जेड इक्वल्स टू जीरो वाला प्लेन है। अब हमें पता है कि जब आपके यहाँ पर स्पेयर किसी सर्कल को पास करके जा रहे हैं, जब आपका कोई स्पेयर है किसी सर्कल को पास करके जा रहा है, तो उसकी हम इक्वेशन कैसे देते हैं, एस प्लस लैम्डा पी इक्वल्स टू जीरो। हम पिछले वीडियो से भी देख रहे थे, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका रेडियस ए है। अब हमारे यहाँ पर हो क्या सकता है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। जेड एक्सेस मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया क्योंकि आपका एक स्पेयर है, वैसे भी आपका जेड यहाँ पर जीरो है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, आपके यहाँ पर इक्वेशन बनेगी जब आपका स्पेयर पास करेगा किसी सर्कल से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू लैम्डा वन जेड इक्वल्स टू जीरो, यही रहता है। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा, ये आपका तो आपका पहले स्पेयर के लिए था, दो स्पेयर है ना आपके पास, दो स्पेयर ऑफ रेडियाई आर वन एंड आर टू, तो आपका स्पेयर एस वन के लिए, एस टू स्पेयर के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू लैम्डा टू जेड इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों आपके यहाँ पर स्पेयर की इक्वेशन आ गई जो आपके यहाँ पर सर्कल से पास होके जा रही है। ठीक है, अब दोनों के लिए हमें यहाँ पर रेडियस निकालना है, आर वन रेडियस और आर टू रेडियस, क्योंकि हमें यहाँ पर रेडियस ही बोला है आर वन आर टू, तो दोनों के लिए हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम जनरल इक्वेशन लेने वाले स्पेयर की। स्पेयर की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं स्पेयर वन की बात कर रहा हूँ तो इसको मैं लिखूंगा टू यू वन एक्स प्लस टू वी वन वाई प्लस टू डब्लू वन जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, ये चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अगर हम कंपेयर करें, जो आपका टू यू वन है वो आपका यहाँ पर है ही नहीं, तो जीरो होगा, मतलब यू वन क्या होगा, जीरो होगा। वी वन भी आपका यहाँ पर जीरो होगा, डब्लू वन भी आपका यहाँ पर जीरो नहीं होगा, वो आपका यहाँ पर लैम्डा वन होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टू डब्लू वन जेड दिया है और आपको यहाँ पर कंपेयर करना है टू लैम्डा वन जेड से। तो इसके कोफिशियन को कंपेयर करेंगे तो आपका टू डब्लू वन किसके इक्वल आएगा, टू लैम्डा वन के, तो डब्लू वन किसके इक्वल होगा, ये लैम्डा वन के। ठीक है, और बाकी आपका यू वन और वी वन जीरो की इक्वल आ रखा। डी की बात करें तो डी क्या आएगा आपके पास, माइनस टाइम ए स्क्वायर। तो रेडियस क्या होता है स्पेयर का, आर वन की बात करें, आर वन रेडियस है आपका पहले वाले स्पेयर का, स्पेयर वन का, तो अंडर रूट यू वन स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर प्लस डब्लू वन स्क्वायर माइनस टाइम डी, ये रहता है। ठीक है, यू वन वी वन तो जीरो है, डब्लू वन आपको दे रखा है लैम्डा वन, तो ये आएगा आर वन इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा वन का स्क्वायर माइनस टाइम डी क्या आपके पास, माइनस ए स्क्वायर, तो ये माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर लैम्डा वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका रेडियस आर वन स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा वन का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पर रेडियस टू निकालना है, तो रेडियस टू निकालेंगे तो उसके लिए आपकी जो इक्वेशन बनेगी जनरल इक्वेशन जिससे हम कंपेयर करेंगे वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू यू टू एक्स प्लस टू वी टू वाई प्लस टू डब्लू टू जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, ये चीज़ बनेगी यू टू वी टू डब्लू टू। क्यों लिखा, क्योंकि आपके हमारे सेकंड स्पेयर की बात चल रही है, स्पेयर वन के लिए आपका यू वन वी वन डब्लू वन था। ठीक है, तो कंपेयर करो, यू टू जीरो आ जाएगा, वी टू भी आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन पर आपका यू टू वी टू है नहीं, बस आपका जेड के टर्म्स पर दे रखा है। तो आपका जो टू डब्लू टू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, टू लैम्डा टू के, यहाँ से हम लिख सकते हैं डब्लू टू इक्वल्स टू लैम्डा टू।
ठीक है, और जो डी है वो तो आपका यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ से जो हमारी रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा, अंडर रूट लेमडा टू का स्क्वायर माइनस और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से आर टू का स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा टू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दोनों आपके यहाँ पर रेडियस आ चुके दोनों स्पीयर्स के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम दोनों स्पीयर्स को देखें तो ये आपके यहाँ पर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन यहाँ पर आपका हो रहा है, दोनों आपके ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट के लिए हमें यहाँ पर जो इक्वेशन लगानी पड़ेगी ये वाली लगानी पड़ेगी जो अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये वाली आपको इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। इक्वेशन आपके पास यहाँ पर है टू यू वन यू टू प्लस टू वी वन इंटू वी टू प्लस टू डब्ल्यू वन इंटू डब्ल्यू टू इक्वल्स टू डी वन प्लस डी टू, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो आपका यू वन यू टू वी वन वी टू तो आपका जीरो है, बस आपको यहाँ पर डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू पता है, क्या है लेमडा वन और लेमडा टू। यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, टू लेमडा वन इंटू लेमडा टू और डी वन डी टू क्या है माइनस ए स्क्वायर और दूसरा क्या है डी टू माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया माइनस टू ए स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया लेमडा वन इंटू लेमडा टू इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ को यहाँ कुछ प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, लेमडा वन स्क्वायर और लेमडा टू स्क्वायर ए की पावर फोर, ठीक है। अब लेमडा वन की वैल्यू हम कहाँ से पुट कर रहे हैं, यहाँ से लेमडा वन का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ से लेमडा वन स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से आर वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लेमडा टू का स्क्वायर और ए की पावर फोर, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अच्छा, वैसे आपका यहाँ पर लेमडा टू की भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, आर वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेमडा टू आपका यहाँ से बन जाएगा आर टू स्क्वायर माइनस टेन ए स्क्वायर। तो बन जाएगा ये आपका आर टू स्क्वायर माइनस टेन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए की पावर फोर। तो ये चीज़ आपके यहाँ से बन गई। इसको पूरा सॉल्व करोगे अच्छे से तो क्या बनेगा, देखो आर वन स्क्वायर इंटू आर टू स्क्वायर माइनस टाइम आर वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर माइनस टाइम आर टू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए की पावर फोर इक्वल्स टू ए की पावर फोर, ये चीज़ बन गई, ठीक है। तो ए की पावर फोर और ए की पावर फोर आपकी कैंसिल आउट हो गया, ये बना आपका आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो ए स्क्वायर, तो बना आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर, और यहाँ से आपका आ गया ए इक्वल्स टू आर वन आर टू अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको देख के जाना है अच्छे से कैसे आपको करना है, और साथ में आपको यहाँ पर जो इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन आपका हो रहा है वो आपको यहाँ पर इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।